अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं सैयद फिरदौस अली आज जो रेसिपी आपके साथ शेयर करने आई हूँ वो है चिली पनीर। आइए चिली पनीर में हमें क्या क्या सामान लगेगा मैं आपको बताती हूँ। मैंने 250 ग्राम पनीर लिया है, मैंने 3 मीडियम साइज की प्याज ली है जिसके ऐसे क्यूब्स काट लिए हैं। इसके इस तरह से आप क्यूब्स काटिए, मैं आपको बता देती हूँ। इस तरह से प्याज को बीच में से करिए और इस तरह से इसको निकाल लीजिए और ऐसे क्यूब्स कर लीजिए प्याज के, इस तरह से सब कर लीजिए। और 2 शिमला मिर्च ली है मैंने, और आगे आगे जो भी सामान लगता जाएगा मैं आपको बताती जाऊंगी। ये मैंने खड़ी लाल मिर्च ली है, 6 मिर्च, ये गर्म पानी में मैंने भिगो दी है तो ये नरम हो जाएगी जब हम इसका पेस्ट बनाएंगे। अब आइए हम पनीर को डिप करने के लिए सामान बनाते हैं। उसमें 4 टेबल स्पून मैंने मैदा लिया है, ये 4 टेबल स्पून है। 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर, 2 अनुसार नमक, मैंने आधा चम्मच नमक लिया है इसमें, 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर और 1 चम्मच सोया सॉस। हम इन सबको अच्छी तरह से मिला लेंगे, मिक्स कर लेंगे और उनको पानी से घोल लेंगे। एकदम ज्यादा पानी मत डालिए, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के उसको पेस्ट बनाइए उसका। इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डाल के घोल बनाइए कि इसमें गठाने ना पड़े, अच्छी तरह से उसको फेंटिए। देखिए ये इस तरह से पेस्ट बना लीजिए, ज्यादा गाढ़ा भी नहीं होना, ज्यादा पतला भी नहीं, बस इस तरह से पेस्ट बना लीजिए आप। अब आइए हम एक कढ़ाई में तेल गरम करने रखते हैं, उसमें हम ये पनीर को मसाले में डिप करेंगे और इसको फ्राई करेंगे। फिर ये पनीर को हम ये मसालों में डिप करेंगे इस तरह से, इस तरह से अच्छी तरह से आप डिप कर लीजिए। फिर इसको इस तरह से थोड़ा साफ कर लीजिए डिप करके, और फिर तेल हमारा गर्म हो चुका है उसमें डाल दीजिए फ्राई होने के लिए। इसी तरह से हम सब पनीर डिप कर करके फ्राई कर लेंगे। देखिए ये हमारा पनीर अच्छी तरह से फ्राई हो रहा है, अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए पनीर अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है, अब आइए हम इसका मसाला ग्रेवी तैयार करते हैं। मैंने 1 टेबल स्पून तेल लिया है कुकिंग ऑयल, उसमें मैं डालूंगी 1 चम्मच लहसुन जो मैंने उसको बारीक बारीक बिल्कुल बारीक काट के रखा है, 1/2 चम्मच अदरक इसको भी बारीक काटा है मैंने, इसको हम थोड़ी देर होने देंगे तेल में कि इसका कच्चापन खत्म हो जाए। अब मैं इसमें डालूंगी 2 हरी मिर्ची जो मैंने काट काट के रखी हुई है, इसको भी आप थोड़ी देर होने दीजिए तेल में। अभी देखिए लहसुन और मिर्ची हो गई है अदरक, अब मैं इसमें डालूंगी ये बारीक कटी हुई प्याज जो मैंने एक रखी है, इसको भी हम थोड़ी देर फ्राई होने देंगे थोड़ी देर के लिए, बस 1-2 सेकंड के लिए कि थोड़ी ये फ्राई हो जाए। देखिए अभी थोड़ी प्याज भी हमारी हो गई है, अब ये जो हमने प्याज के क्यूब्स काट के डाले हैं रखे हैं ये डाल देंगे हम सब, और ये शिमला मिर्ची के क्यूब्स, अब इनको भी हम थोड़ी देर तक होने देंगे ताकि थोड़े से हल्के से नरम हो जाए। अब देखिए हमारी प्याज और शिमला मिर्च भी हो गई है, अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा 1/2 चम्मच इतना नमक, आपको जितना टेस्ट नमक का चाहिए आप उतना डालिए। उसके बाद हम डालेंगे 2 टेबल स्पून टमाटर सॉस, और जो मैंने लाल खड़ी मिर्च भिगाई थी ये मैंने पीस लिया, उसका पेस्ट बना लिया है, 1/2 चम्मच में उसका पेस्ट डालेंगे। फिर इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसको थोड़ी देर पकाएंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच सोया सॉस और थोड़ी सी 1/2 चम्मच शक्कर, आपकी मर्जी अगर आपको शक्कर डालना हो या ना डालना हो, ये ऑफिशियल है, अगर इसमें शक्कर का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब मैंने एक बाउल में 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर लिया है, उसको मैं घोल लूंगी 1/2 कप पानी से, इस तरह से आप अच्छा घोल लीजिए उसको। कॉर्नफ्लावर घोला है वो इसमें डाल देंगे, अब इसको हम पकने देंगे थोड़ी देर। देखिए हमारी ग्रेवी तैयार हो गई है, अब हम इसमें पनीर डाल देंगे तला हुआ, हम इसको अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर देंगे।
बस हम पनीर को थोड़ी देर इसमें करेंगे, 1-2-3 सेकंड, क्योंकि ज्यादा हम करेंगे तो पनीर कड़क हो जाएगा। बस देखिए हमारा पनीर, ड्राई चिली पनीर बिल्कुल तैयार है। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए दोस्तों, ये हमारा ड्राई चिली पनीर तैयार है। आपको रेसिपी इसकी पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मुझे कमेंट्स कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब मैं मिलूंगी आपसे अगली बार नई रेसिपी के साथ इंशाल्लाह जल्दी। अल्लाह हाफिज़।